नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार समाचार। आज है 20 नवंबर 2019। आज हम बात करेंगे विभिन्न भर्तियों से जुड़े मुख्य समाचार के बारे में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, मैं अपने प्रत्येक वीडियो में मुख्य समाचार के साथ साथ आपको दो प्रश्नों के बारे में जानकारी देता हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए सबसे पहले उन दोनों प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आज की ताज़ा खबरों के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेनिसिलियम क्या है? ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी है शैवाल, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है जीवाणु। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कवक। आज की इस वीडियो का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? ऑप्शन ए है नारंगी, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है हरा। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, नीला। अब आइए आज की ताज़ा खबरों के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली ताज़ा खबर शिक्षक भर्ती की है। शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए आज का दिन अहम रहने वाला है, क्योंकि शिक्षक भर्ती के तीन मामले की सुनवाई आज कोर्ट में होनी है। पहला है 68,500 शिक्षक भर्ती, जिसमें 30 और 33 का विवाद फंसा हुआ है। दूसरा है 72,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें 40% और 45%, 60% और 65% कटाव का विवाद फंसा हुआ है। तीसरा है टेट 2017। आज टेट 2017 का आर्डर आ सकता है। आपको बता दें कि कोर्ट नंबर एक में सीरियल नंबर 31 पर केस लगा हुआ है। तो जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी, आप इस चैनल से जुड़ें। आपको विस्तृत जानकारी दी जाती है, शॉर्ट में कोई जानकारी नहीं दी जाती है, इसलिए चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखा करें जिससे आपको सारी बातें समझ में आएँ। आज की दूसरी ताज़ा खबर बिहार की है। हाईकोर्ट ने पूछा कि शिक्षकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं। बिहार के लॉ कॉलेजों में शिक्षक एवं प्राचार्यों के रिक्त पड़े पदों को नहीं भरे जाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने राज्य सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से 11 दिसंबर 2019 तक इस मामले में जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कुणाल कौशिक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है कि कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव को कहा है कि वह 11 दिसंबर 2019 को अदालत में उपस्थित होकर यह बताएं कि बिहार में कितने लॉ कॉलेज हैं, किन किन कॉलेजों में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, किस कॉलेज में कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनके बारे में 11 दिसंबर 2019 को जवाब देना है, जो है बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया के सचिव को। तो देखना होगा कि 11 दिसंबर 2019 को क्या होता है। जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। आज की तीसरी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2019 की है। उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2019 के लिए अभी तक कितने आवेदन आए हैं, इसके संबंध में जो करंट अपडेट प्राप्त हुई है, आइए जान लेते हैं। पहले हम 19 नवंबर 2019 की बात करेंगे। 19 नवंबर 2019 शाम 6 बजे तक 14,11,384 आवेदन आए थे। 14,11,384 आवेदन आए थे। अगर हम 20 नवंबर 2019 सुबह 7 बजे की बात करें तो सुबह 7 बजे तक 14,63,387 आवेदन आ चुके हैं। 14,63,387 आवेदन आ चुके हैं। जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी, सही दी जाएगी और विस्तार से दी जाएगी। शॉर्ट कट में इस चैनल के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी जाती है, इसलिए वीडियो लंबा होता है। आज की चौथी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों की आंदोलन का केंद्र प्रयागराज के साथ वाराणसी भी बनेगा। शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन करा चुके चयनित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आवाज़ बुलंद करके नियुक्ति की मांग करेंगे, जबकि हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थी अब वाराणसी एसएसपी कार्यालय पर एकजुट होंगे। वाराणसी एसटीएफ जाँच की सुस्त प्रक्रिया के चलते दोनों विषयों का परिणाम रुका हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना है
कि ये दोनों विषय काफ़ी विवादित हैं, हिंदी और सामाजिक विज्ञान। जब तक इसका निस्तारण नहीं होगा तब तक परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 15 में से 13 विषयों का परिणाम घोषित किया जा चुका है। 13 विषयों का जो परिणाम घोषित किया गया है उसमें कुल पदों की संख्या 7481 थी और काफ़ी पद खाली भी गए हैं। जो पद खाली गए हैं उस पर दोबारा विज्ञापन जारी किया जाएगा और विज्ञापन 2020 में जारी किया जाएगा। और जो भी जानकारी होगी इस भर्ती के संबंध में आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इस चैनल से जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की पांचवी ताज़ा खबर निकायों में भर्ती को लेकर है। निकायों में भर्ती के लिए चयन परिषद का गठन किया जाएगा, ऐसी चर्चा जोरों शोरों से है। निकाय व जल संस्थान में आकेंद्रीय कर्मियों की भर्ती में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अलग से भर्ती चयन परिषद बनाने की तैयारी है। इसे प्रादेशिक नगर पालिका या जल संस्थान आकेंद्रीय चयन परिषद का नाम दिया जाएगा। आपको बता दें जो पद खाली होंगे इसी परिषद के माध्यम से भरे जाएंगे। निकायों में खाली होने वाले पदों पर भर्ती का ब्यौरा स्थानीय निकाय निदेशालय तैयार कराएगा और चयन परिषद को भेजेगा। भर्ती लिखित परीक्षा या निर्धारित व्यवस्था के आधार पर ही की जाएगी। तो जो भी जानकारी होगी निकायों में भर्ती के संबंध में आपको मैं विस्तृत रूप से इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। जब सही जानकारी प्राप्त होगी तभी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। आज की छठवीं ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की RO/ARO भर्ती 2017 के संबंध में है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से RO/ARO भर्ती 2017 के अभ्यर्थियों से अपील का लगातार सकारात्मक असर दिखाई पड़ रहा है। आयोग के जरिए उच्च पदों पर चयनित 37 अभ्यर्थियों ने RO/ARO भर्ती 2017 से दावेदारी वापस ले ली है। आपको बता दें कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका नाम खुशबू सिंह, अंजू यादव, अनु कुमारी, प्रगति यादव, दुर्गा शुक्ला, पंकज मिश्र, हिमांशु सिंह, गौरव बिश्नोई, सचिन सिंह, विकास सिंह, शशिकांत यादव, मयंक तिवारी, अनुराग सिंह, विनय सिंह, अभिषेक मिश्र, नीरज कुमार शर्मा, कुलदीप मिश्र, अभिषेक कुमार यादव, राहुल मिश्र, इंदिरा विजय, वैभव त्रिपाठी, नीलेश प्रताप सिंह, सुरजीत सिंह, विमलेश यादव, सतीश कुमार विश्वकर्मा और गौरव वशिष्ठ, अमृत लाल, योगेश पांडे, रवि कुमार, आशुतोष मिश्र, अरुण कुमार, अनिल कुमार तिवारी, सुभाष कुमार, अनुराग सिंह, ओमजीत गुप्ता, विनय चौधरी के नाम शामिल हैं। तो जितने भी RO/ARO भर्ती 2017 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं उन सभी को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आज की सातवीं ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी पैरा मेडिकल कोर्स का रिजल्ट जल्द ही जारी करेगा। 4 पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों में EWS कोटा लागू करने का शासनादेश जारी न होने से इसमें देरी हो रही है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के करीब 2500 सीटों के लिए दिसंबर 2018 में फार्म भरे गए थे। इनमें 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हाई स्कूल और इंटर के अंकों के आधार पर बनने वाली मेरिट से अभ्यर्थियों का चयन होता है। अभ्यर्थियों का कहना है कि फॉर्म भरने के बाद अधिकतम जनवरी में मेरिट लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए, लेकिन अगस्त में मेरिट जारी की गई। ऐसा क्यों किया गया इसके बारे में मेडिकल फैकल्टी ने अपना तर्क दिया है, अपना कारण बताया है। जो भी जानकारी होगी आपको विस्तृत रूप से इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आज की आठवीं ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा DB और परीक्षा परिणाम के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। BDO भर्ती 2018 की जितने भी अभ्यर्थी हैं जो DB का इंतजार कर रहे हैं कि DB उनकी कब से शुरू होगी, इसके संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी तक आयोग द्वारा शेड्यूल तैयार नहीं किया गया है कि किस तारीख को कितने अभ्यर्थी DB में हिस्सा लेंगे। तो शेड्यूल 2 से 3 दिनों में तैयार कर लिया जाएगा, 2 से 3 दिनों में तैयार कर लिया जाएगा, उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और परीक्षा परिणाम के संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें लोअर भर्ती शामिल है, दूसरा अनुदेशक भर्ती शामिल है, तीसरा आबकारी भर्ती शामिल है। इन तीनों का परिणाम
तैयार हो चुका है। किसका परिणाम पहले आएगा, जो सूचना प्राप्त हुई है, आबकारी आबकारी या लोअर का परिणाम जारी हो सकता है, लोअर का परिणाम जारी हो सकता है। तो इन दोनों के बारे में चर्चा है, जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी, लेकिन परिणाम तीन तैयार हो चुके हैं, एक कंफर्म न्यूज है 100%। तो जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।